दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ खुश होंगे और कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। तो अभी मैंने एक हेयर पैक यूज़ किया है और उसके बाद आप मेरी फिंगर देख सकते हो, ब्लैक हो गई है। वही हेयर पैक मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी बनकर आसानी से तैयार हो जाता है। और 2 से 3 चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं, आप देख सकते हो कलर इसका। अगर आपके वाइट हेयर हैं तो आपके वाइट हेयर को ये ब्लैक कर देगा। तो ज़रूर इसको 2 से 3 बार यूज़ करो और उसके बाद अपना फीडबैक जो है हमारे चैनल पर आकर हमारे साथ शेयर करो, ताकि जिन भी लोगों के वाइट हेयर हो गए हैं समय से पहले या फिर उम्र के कारण या किसी भी वजह से, तो उनके भी वाइट हेयर आपके जैसे मेरे जैसे ब्लैक हो सके बिल्कुल केमिकल फ्री। तो कैसे बनाना है इसको, कैसे यूज़ करना है, एंड तक व्लॉग को देखा करो। ज़रा सा भी अच्छा लगे, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। और इन फ्लावर के जो सीड हैं इसी के अंदर होते हैं, ये सीड मैं निकाल कर फिर आपको दिखाती हूँ। देखो, फ्री के इतने सारे सीड मिल गए हैं, फ्री का प्लांट भी बन गया है। देखिए कितने सारे सीड हैं, चलिए इनको ग्रो करना बताती हूँ। ये एक छोटा सा पॉट है 4-5 इंच का, बॉटम में मैंने इसके होल बना कर रखा है। इस पर पत्थर रख देना और मिट्टी भर लेते हैं। देखिए मिट्टी फिल कर ली है और अब मैं ये जो सीड है बस ऐसे ही डाल देती हूँ। मिट्टी का रेशियो रहेगा 50% गार्डन सॉइल, 30% उसमें रिवर सैंड मिक्स करो और बाकी हिस्सा आप उसमें खाद मिक्स कर सकते हो। तो इस तरह से आपको मिट्टी फिल कर लेनी है और उसके ऊपर अपने सीड डाल देने हैं और उसके ऊपर एक मिट्टी की पतली सी लेयर, ज़्यादा मोटी मत करना नहीं तो सीड अंदर ही ख़राब हो जाएंगी, पतली सी लेयर बनाओ और बस इसके ऊपर आप कर दो वाटरिंग। और वाटरिंग करने के बाद आप इसको सीडी एरिया में रख देना, बिल्कुल धूप में मत रखना क्योंकि जब ये ग्रो हो जाएंगे तब इनको धूप में रखेंगे। इस तरह से वाटरिंग कर दो और सेकेंड टाइम वाटरिंग तब करना जब इसके बिल्कुल ऊपर की लेयर फट जाए, उससे पहले मत करना, नहीं तो ये जो सीड हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए कुछ, तो चलिए दोस्तों अब आपको हेयर पैक बनाना सिखाते हैं। इसके लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है हम सबको। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिए हैं आंवले की गुठलियाँ, अगर आपके पास आंवला है तो आंवला भी ले सकते हो, सूखा हो, ड्राई हो, ताज़ा हो, कोई सा भी आंवला हो वो ले लेना। और उसको आपको रख देना है लोहे के बर्तन में। लोहे के बर्तन में मैंने इसको डाल दिया और ऊपर से डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद आप देखिए मैं इसमें दूसरा क्या चीज़ डालूंगी, डालनी है मेथी के दाने, 8-10 दाने डाल देना, इससे ज़्यादा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। करी लीव्स डाले हैं मैंने, अगर आपके पास फ्रेश हो फ्रेश डाल देना। मेरे पास ये रखे हुए थे, रखे रखे ये थोड़े से ड्राई हो गए तो मैंने इन्हीं को यूज़ कर लिया है, आप फ्रेश वाले भी ले सकते हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको अब उठाकर रख दूंगी साइड में 2-4 मिनट के लिए, ढक्कन लगाकर मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखिए 2-4 मिनट के बाद अब मैं इसको रखूंगी, आपको दिख रहा होगा कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन हमें इसको थोड़ी देर के लिए, अगर आप चाहते हो तो आप इसे गैस पर रखकर अच्छी तरीके से बॉयल कर लेना। बॉयल करने से क्या होगा कि इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, सारी की सारी गुडनेस जो है इस वाटर में आ जाएंगी। क्योंकि आंवला को या तो आप बॉईल कर लो या फिर इसको ओवरनाइट छोड़ दो, दोनों में से कोई भी एक काम कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था 2-4 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके छान लिया था। ठंडा करने के बाद छाना है, अगर मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया है तो वो 1 कप हो जाना चाहिए, अगर आपने 1 कप लिया है तो वो 1-2 चम्मच हो जाना चाहिए। मतलब कि आपको इतना ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से पका लेना है, क्योंकि हम डाई बना रहे हैं तो डाई आपको लिक्विड ही नहीं चाहिए, थोड़ी सी गाढ़ी चाहिए। छानने के बाद आप इसका कलर देख सकते हो कितना गाढ़ा सा ब्लैक कलर का आया है। वाइट वाले कंटेनर में इसीलिए दिखा रही हूँ कि मान लीजिए ये हमारे वाइट हेयर है, जब हम इस वाइट हेयर पर ये ब्लैक कलर का वाटर यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करेंगे, तो हमारे वाइट हेयर भी बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कोकोनट ऑयल हम सबके घर में आसानी से मिल जाता है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने अपने बाल ले लिए हैं, मेरा मतलब है कि मैंने कॉटन ले ली है और उस कॉटन को मैंने इसमें डिप करके दिखाया है। एंड में दिखाऊंगी इस कॉटन का क्या हल हुआ था। तो जब भी आप यूज़ करोगे मेरी डाई तो प्लीज़ एक बार ध्यान रखना, ग्लव्स वगैरह पहन लेना और कोई पुराना सा कुर्ता या टी शर्ट जो आपको अच्छा लगे वो पहन सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरीके से कॉटन की हेल्प से धीरे धीरे करके इसको पूरे स्कैल्प में लगा रही हूँ। अच्छी तरीके से लगा लेना है आपको, ताकि जहाँ पर भी आपके वाइट हेयर है वो सारे के सारे कवर हो जाए। आप इस डाई को 1 दिन में 2 बार भी रिपीट कर सकते हो और चाहो तो आप इसको नेक्स्ट डे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। 2 दिन के बाद अगर आप हेयर वॉश करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट भी लगा सकते हो, मतलब जितनी देर तक आप इसे रखोगे अपने हेयर पर
उतने ही रिजल्ट इसके अच्छे मिलेंगे आपको। तो चाहो तो एक दिन में लगाकर हेयर वॉश कर सकते हो और चाहो तो दो दिन के बाद अपने हेयर वॉश कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। तो बैक साइड से भी मैंने आपको अपने हेयर दिखा दिए हैं, वहाँ पर कोई वाइट हेयर आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। अब देखिए कॉटन दिख रहा होगा आपको, क्या हल हो चुका है इसका, बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है ये। और लगभग ये शाम की पिक है जब मैंने अपने हेयर को बिल्कुल वॉश कर लिया था, नॉर्मल पानी से वॉश किया था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कौन सा